इवनिंग स्टूडेंट्स, जेई मैथ्स स्टार्ट हुआ तो जेई मैथ्स हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमें हम जब सिलेबस देखते हैं तो हम सिलेबस में देखते हैं बहुत सारे चैप्टर्स हैं। जिस चैप्टर की मैं जो मैं चैप्टर आपको बताने वाला हूँ, जो चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो एज अ चैप्टर जेई सिलेबस में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो चैप्टर है ही नहीं। वो ऐसा पार्ट है जो जेई में हर चैप्टर में काम आने वाला है, हर जगह हर क्वेश्चन हर चैप्टर में आपको उसकी यूज आने वाला है। एंड आई कॉल इट बेसिक मैथमेटिक्स। आई ऑलवेज बिलीव कि हम जेई मैथ्स के जो टॉप चैप्टर्स हैं उन्हें पढ़ने शुरू करने के पहले हमें बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत नॉलेज होना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी चैप्टर का पार्ट नहीं है, किसी भी चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन हमें आनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने वो गलतियां करी जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर हमने वो गलतियां करी तो आप हर चैप्टर में वो गलती करने वाले। There are some parts जो हमें जेई मैथ्स के एक्चुअल शुरू करने से पहले पता होना चाहिए। I call it basic mathematics। There are basic, some basic, very basic concepts जो बहुत deep rooted है इतने सालों में और हम उन्हें गलत कर रहे हैं। हम वो कर कई सालों से रहे लेकिन हम वो गलत कर रहे थे। हम सॉल्व करने का तरीका या हम उन चीजों को ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ऐसे कुछ चीजें हैं। यूजली जब भी कोई टीचर इन चीज़ों को पढ़ाता है, कहीं भी पढ़ाता है, तो वो जब जेई मैथ्स शुरू करता है तो उनका सोच होता है कि पहले हम सीधे जैसे कोई चैप्टर है, फॉर एग्जांपल प्रोग्रेशन चैप्टर है, वहाँ से शुरू कर दें। पर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो प्रोग्रेशन में भी काम आने वाला है। तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी जेई सिलेबस के चैप्टर को शुरू करने के पहले पढ़नी है। हम उसको क्या बोलते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, है ना। तो आज के जो हमारे जेई मैथमेटिक्स के जो जेई मैथमेटिक्स में जो बेसिक मैथमेटिक्स हमारी जरूरत है, उसमें मैं तीन चीजों पे बेसिकली आपसे बात करूंगा। एंड यू विल फाइंड कि जो हमारी जर्नी होगी जेई मैथ्स की, नॉट इन ओनली इन मैथ्स, इवन इन अदर टू सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी शायद इनका कहीं आपको जरूरत पड़ जाए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूजुअली गलती होती है और कारण बहुत साफ है। क्या कारण है उनका गलती होने का, क्योंकि हमने जब ये सीखा पहली बार तो वो जो गलती थी उस गलती के ऊपर हमने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, तो मैं तीन चीजों पे बात करूंगा आप लोगों से। फर्स्ट इज रूट लॉस, सेकंड इज रूट गेन, एंड थर्ड इज स्क्वायर रूट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर। रूट लॉस, रूट गेन और किसी स्क्वायर रियल नंबर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेने में हमसे क्या गलतियां होती है। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विथ रूट लॉस। नाम कुछ सुन के समझ में आ रहा है, रूट लॉस। अब रूट किसके होते हैं, तो किसी इक्वेशन के होते हैं। हम जब रूट फाइंड करते हैं तो किसके फाइंड करते हैं, किसी इक्वेशन के रूट फाइंड कर रहे हैं। तो रूट लॉस मतलब उस इक्वेशन के रूट का, रूट जो आने चाहिए थे वो आए ही नहीं, वो कम आ गए। हमको जितने रूट्स मिलने चाहिए थे वो रूट्स मिले ही नहीं उतने। तो ये क्यों हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ हमारे सामने आया, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ हमारे सामने आया कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू से 4x, ये हमारे सामने की इक्वेशन आती है। एंड सिंस बहुत छोटी क्लास से, मतलब हो सकता है 8, 9, 10 से हमें ये चीजें सिखाई जाती है कि किसी इक्वेशन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अगर सेम क्वांटिटी हो, वो सेम क्वांटिटीज हमेशा क्या होती है, काटी जा सकती है। हमें यही बोला जाता है कि अगर दोनों तरफ सेम क्वांटिटीज हो तो दोनों क्वांटिटीज दोनों तरफ से काट दी जाती हैं। ये हम सीखते हैं, यही जनरली सिखाया जाता है। और ये बात एग्जाम में जो जेई के पेपर सेट करते हैं उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। वो यही देखना चाहते हैं कि कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये गलतियां नहीं करते हैं। तो हमारी जो इस क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करने की टेंडेंसी जो हमारे सामने आती, जो हमारा तरीका रहता है, जब तक हम ये रूट लॉस को समझ नहीं लेंगे तो हमारा तरीका क्या रहता है कि वी डू दिस, हम एक्स से एक्स को क्या कर देते हैं, कैंसिल। क्योंकि हमें लगता है कि इट्स आर राइट, ये हमारा राइट है क्या करने का, कि दोनों तरफ सेम क्वांटिटी होगी तो उन्हें कैंसिल करना हमारा राइट है पूरी तरह से।
जो हमें लगता है सही भी है, क्योंकि हमने सीखा ही था ये। जब तक हम ये चीज नहीं जान लेते रूट लॉस क्या होता, तब तक हम मान के चलते हैं कि तो सच है, ये तो ऐसे ही होता है, पर ये गलत है, ये बात सही नहीं है। बोलो आई बात समझ में, क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये नहीं होगा ऐसा हमेशा कि हम दोनों तरफ सेम क्वांटिटी होगी और उनको काट दे तो हमारा, हमने सही किया हमेशा। मैं आपको ढेर एग्जांपल्स ऐसे बता दूंगा जेई में पूछे हुए, जिसमें ये करना मतलब बहुत बड़ी गलती करना, हमारा पूरा सॉल्यूशन गलत कर लेना। आप समझ रहे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो ये क्या हुआ इसमें गड़बड़, आप समझिएगा। हमने अगर दोनों तरफ से सेम क्वांटिटी कैंसिल कर दी और हमने सोचा कि ये तो हमेशा ये तो कर ही जा सकता है, क्योंकि हम तो आज तक करते आते थे, पर ये सही नहीं था। क्यों नहीं था सही, समझेगा। मैंने आपको बोला कि चलिए अगर दोनों तरफ से सेम क्वांटिटी किसी इक्वालिटी में कर सकते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा आपके पास है से 5 × 0 इज इक्वल्स टू 4 × 0, ये सही लिखा है मैंने? हाँ, क्योंकि 5 × 0 इज 0 एंड 4 × 0 इज 0, सो बोथ साइड्स आर इक्वल एंड देयर इज अ कॉमन नंबर ऑन बोथ द साइड्स, दैट इज 0, एंड वी थिंक दैट वी आर हैविंग ऑल द राइट्स इन दिस वर्ल्ड टू कैंसिल द कॉमन क्वांटिटी ऑन both the sides of an equation, so we cancelled out 0 by 0 and we think that is still the equality holds, we think so that is abhi bhi equality hold kar rahi hai, let's see 5 = 4 kya hold kar rahi hai, kya equality hold kar rahi hai, 5 = 4 ke barabar ho sakta hai, to hamare is sochne mein flaw tha, हमारे सोचने में फ्लॉ था। क्या फ्लॉ था? कि दोनों तरफ से सेम क्वांटिटी हमेशा काटी जा सकती है, क्योंकि हम कभी इस तरह से नहीं सोचे, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। शायद हो सकता है जब तक हम 10th में रहते हैं तो हमने ये चीजें सीखी, हमें जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमें समझ में आ गया कि ये करना इज नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू, वी कैन नॉट कैंसिल, we cannot always cancel common factors on both the sides of an equation or an inequality also. Inequality की भी बात करेंगे तो वहां भी ये करना सही नहीं है। तो I hope आप समझे कि अगर हम दोनों तरफ से, हम ये नहीं बोल सकते कि हम अगर दोनों तरफ से common factor cancel करते हैं तो equality उसके बाद भी hold रहेगी, 5 = 4 के बराबर नहीं है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि x square अगर 4x के बराबर है, x square अगर 4x के बराबर है तो हमने x x कैंसिल कर दिया और हमें मिला x equals to 4, तो मैं फिर से इक्वेशन लिख रहा हूं x square equals to 4x, तो क्या x equals to 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो कर रहा है, नो डाउट। व्हेन यू पुट 4 हियर, 4 square is 16 एंड 4 into 4 is 16, सो x equals to 4 is the solution of this equation, but the problem is that the only solution, क्या यही एकमात्र सॉल्यूशन था? तो ये हमसे गलती हो गई, हमने ये देखना चाहिए कि इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमारा एक ही सॉल्यूशन आया, तो हमें यहां पर ही कहीं ना कहीं अंदर से लग जाना चाहिए कि हमने कुछ गड़बड़ करी। क्वाड्रेटिक हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक हमें दो रूट्स देती है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर दोनों बराबर हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों रूट्स इक्वल नहीं है। आई बात समझ में? दोनों रूट्स इक्वल नहीं है। तो क्या गलती हुई? तो हमसे गलती ये हो गई कि हमने जो कॉमन फैक्टर दोनों तरफ काट दिया, वो हमने ये मानते हुए काट दिया कि वो जीरो नहीं है। हमने क्या मानते हुए काट दिया? कि वो जीरो नहीं है, लेकिन वो जीरो हो सकता है। किसने कहा कि यहां पर एक जीरो नहीं हो सकता? उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। आप लेफ्ट और राइट हैंड साइड से सारे फैक्टर्स कैंसिल कर सकते, सब कैंसिल कर दो, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कॉमन फैक्टर की वैल्यू कुछ भी हो फाइनाइट में कैंसिल कर दो, एक को छोड़कर जीरो, क्योंकि जीरो ऐसा है जो किसी से भी मल्टीप्लाई होकर उसको जीरो बना देता है। कोई एक न, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो किसी से मल्टीप्लाई होकर उसको वही बना देता है, सिर्फ जीरो ऐसा है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम दोनों तरफ से कोई चीज कैंसिल करें, सिर्फ एक चीज सोचनी है कि जो चीज कैंसिल हो रही है वो जीरो ना हो। तो
okay, you cannot cancel zero from both the sides. Are you getting what I am saying? You cannot cancel zero from both the sides. You can cancel any real number from both the sides except zero. हमने जब ये cancel किया तो हमने इसका ध्यान ही नहीं रखा कि ये zero हो सकता. तो ये प्रोसेस जो कैंसिल करने की गलत हो गई. तो सही क्या थी फिर? सही ये थी, सही ये थी मेथड कि हम इस 4x को उधर ले जाएं, हम इस 4x को उधर ले जाएं. तो ये गलत थी. x into x minus 4 0 है. यहां से अब हमें बहुत क्लियर हो जाता है, पता है जो हमने एक्स एक्स कैंसिल कर दिया तो हमने इसको तो ओमिट कर दिया था कि हमारा सॉल्यूशन है ही नहीं, जबकि यहां पर ये भी एक सॉल्यूशन के फॉर्म में, एक फैक्टर के फॉर्म में आया है. हम कह रहे हैं दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, और हम जानते हैं दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब उनमें से कम कोई एक जीरो, या तो एक्स या तो ये जीरो होगा, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, या फिर एक्स माइनस 4 0 होगा, मतलब x minus 4 0 का मतलब x कितना होगा 4. रूट लॉस कब होता है? जब जिस फैक्टर को हमने काट दिया उसकी वैल्यू 0 हो रही है, उसकी वैल्यू 0. जैसे मैं एक जेई का बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, जेई में पूछा हुआ बहुत ही बढ़िया एग्जांपल इस केस में. मान लो उसमें वो क्वेश्चन इस कुछ इस तरह से था, द डेटा इज नॉट एग्जैक्ट, है ना, इट वाज वेरी ओल्ड क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा कांसेप्ट है. आई थिंक उसको फिर शायद फिर से एक बार रिपीट किया गया किसी एग्जाम में, मेंस में आई थिंक. ऐसा क्वेश्चन है, क्या दे दिया गया कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू सी स्क्वायर. हो सकता है उसमें ये इतनी डायरेक्ट ना दी गई हो, कुछ और दिया गया हो, मैंने आपके लिए थोड़ा कैलकुलेशन ऐसा करके दे दिया, इस स्टेप तक पहुंचा दिया. देन द ट्राइंगल इज कंपल्सरिली, ट्राइंगल कंपल्सरिली क्या होगा, मतलब या तो ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल क्या होगा ये पूछा है. देन द ट्राइंगल इज एंड द फर्स्ट और फर्स्ट ऑप्शन इज, पहला ऑप्शन कि ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है. दूसरा ऑप्शन है हमारा कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है. तीसरा, अच्छा क्या बोला है कि ट्राइंगल इज कंपल्सरीली कि राइट एंगल ही होगा. दूसरा बोला ट्राइंगल आइसोसेलेस ही होगा. तीसरा बोला है स्केलिंग, और चौथा बोला है राइट एंगल्ड और आइसोसेलेस, राइट एंगल्ड और आइसोसेलेस, है ना. तो आप दिमाग में सोच लीजिए आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए. किस किसने सोच लिया आंसर? वेरी गुड, जो भी आपको लग रहा हो, जो भी आपको आंसर लग रहा हो वो आंसर सोच लीजिए पहले. ये आपके सामने एक इक्वेशन, ये एक कंडीशन दे दी और क्वेश्चन में बोला गया इस कंडीशन के हिसाब से कि ट्राइंगल हमेशा इन चारों में से कुछ है, कि ऐसा ही होगा ट्राइंगल, ठीक. आपको क्या लग रहा बेटा, आपको क्या लग रहा है? वेरी गुड. अब देखो, सिंस हम पढ़ी हुई चीज नहीं, तो हमारा दिमाग बहुत कॉन्शियस है कि हम ऐसी कोई गलती ना करें. व्हाट यूजुअली स्टूडेंट डू, बहुत ध्यान से सोचना, जब हमने रूट लॉस नहीं समझा था या हमें नहीं पता था तो हम कितने नेचुरली ये करने के आदी हैं, हम कितने नेचुरली ये कर देते हैं. सोचो, हम और कुछ नहीं सोचते, हमारा, मैंने क्या कहा, हमारा अधिकार है कैंसिल करना, ये हम मान के चलते हैं कि नहीं मुझे दोनों तरफ कॉमन फैक्टर कैंसिल करना है तो ये मेरा पूरा अधिकार है. नहीं, ये गलती नहीं करनी. किसने कहा, जैसे आपने इसको इससे कैंसिल कर दिया तो आपने कैसे मान लिया कि ये क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती? आप जिस क्वांटिटी को कैंसिल कर रहे हो, ये हमने कैसे मान लिया कि वो क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती? क्वांटिटी जीरो हो सकती है, ये मैंने कट कर दिया तो मैंने एक्चुअली, ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कोई भी हो,
a माइनस बी अगर जीरो हुआ तो ये जीरो है और ये भी जीरो, फिर ये भले दोनों इक्वल ना भी हो तो भी ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। हमने क्या गलती कर दी, कॉमन फैक्टर काट दिया, तो ये करना बिल्कुल गलत था। क्या सही था, इसे उठाकर इधर लाए, राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में लाए और a माइनस बी कॉमन ले लिया, a माइनस बी कॉमन ले लिया, क्या बचा, इधर बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये इधर आया था तो माइनस सी स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगर मैंने यहां ये कैंसिल कर दिया था तो मेरे पास ये तो बचा ही नहीं था। अब आप सोचो, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, कम से कम कोई एक जीरो होगा, या तो ये जीरो हो या फिर ये जीरो, ये जीरो हो मतलब ए इक्वल्स टू बी, थर्ड साइड के बारे में कुछ नहीं पता, तो ट्रायंगल कैन बी आइसोसेलेस, ये जीरो हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम मींस ट्रायंगल इज राइट एंगल, ट्रायंगल इज राइट एंगल। बोलिए, अगर मान लो ये स्केलिन ऑप्शन हटा देता और मैं यहां लिख देता राइट एंगल आइसोसेलेस, राइट एंगल आइसोसेलेस, तो अब आपके आंसर में कोई चेंज आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। हमने कहा कि आंसर या तो a इक्वल्स टू b मतलब या तो ट्रायंगल इक्विलैटरल है, सॉरी आइसोसेलेस है, या तो ट्रायंगल आइसोसेलेस है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, या तो ट्रायंगल राइट एंगल्ड है। क्या दोनों होना जरूरी है, नहीं। क्या दो नंबर के प्रोडक्ट जीरो लाने के लिए दोनों को जीरो होना जरूरी है, नो, कोई एक भी चीज जीरो होगी तो वो जीरो। तो कंपल्सरीली ये बात जरूरी नहीं है कि राइट एंगल्ड भी और आइसोसेलेस भी, क्या कंपल्सरी है कि या तो राइट एंगल्ड होगा या फिर आइसोसेलेस होगा, क्योंकि या तो दोनों साइड, दो साइड्स इक्वल है, या दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के बराबर। अगर हमने ये a माइनस बी कैंसिल कर दिया होता तो हमारे पास ये आंसर में आता ही नहीं, और हम आंसर क्या लगा के आने वाले थे, राइट एंगल। सी किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्या सोच रखी जाती है, उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स आर यूजुअली प्रोन टू दिस मिस्टेक, दे यूजुअली डू दिस, दे कैंसिल, क्या समझाना चाह रहा हूं। तो आई होप कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, व्हाट इज द कंसेप्ट, अगर मैं समराइज करूं जो मैंने आपको बात समझाई है वो क्या है, कि दोनों तरफ किसी इक्वेशन के दोनों तरफ कॉमन फैक्टर को कैंसिल तभी करना जब वो जीरो नहीं हो सकता। जैसे क्या चीज जीरो नहीं हो सकती, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन दोनों तरफ, तो इक्वेशन ऐसी लिखी है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन is equals to 2 into x square plus 1, और x एक real number है, और x एक real number है, तो किसी भी real number का square plus 1 zero नहीं हो सकता, तो we can cancel this, तो x equals to 2 is the only real solution, एकमात्र real solution कौन आता, x equals to 2, समझे क्या, ये क्यों काटना सही था, क्योंकि x square plus 1 zero क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x कैसा है, real, और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर प्लस वन कभी जीरो नहीं, इसलिए इनको काटने में कोई गलत नहीं था। और यहां पर a माइनस बी से a माइनस बी काटना क्यों गलत हो गया, बिकॉज इट कैन बी जीरो। तो रूट लॉस एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, अगर हम ये हमेशा देखो, आप सोचना शुरू करो कितनी बार इक्वेशन सॉल्व करी और कितनी बार ऐसे केसेस आए जब हमने दोनों तरफ चीजें कॉमन दिखी, हमारा हाथ नेचुरली काटने की तरफ चला जाता है, कैंसिल करने में हमें, मैंने कहा ना, हमें नेचुरली हो जाता है, हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है, क्या कैंसिल नहीं होना चाहिए। आई होप समझे इस बात को अच्छी तरह से। दिस आर कंसेप्ट ऑफ रूट गेन, इसका रूट गेन, एंड इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट for your JEE examination, not only for JEE, for every examination जो शायद हम इन
प्रिपरेशन में देते हैं, नॉट ओनली फॉर जी फॉर योर इवन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, कई जगह वहां भी हमारे पास ये सिचुएशन अराइज होती है। इवन इन ओलंपियाड्स ऐसे क्वेश्चंस थे 2019 आई थिंक फिजिक्स ओलंपियाड, देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें ये चीज स्टूडेंट से गलती होने के चांसेस था, ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक आंसर ये था जिसमें ये कैंसिल कर देते तो वो आंसर नहीं आया। सो नॉट इन मैथ्स, इन ऑल द सब्जेक्ट्स रूट लॉस की पॉसिबिलिटी। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट, रूट गेन। लॉस हुआ तो कई बार गेन भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि लॉस ही हो सकता है, हमारी गलती से गेन भी हो सकता है। गेन तो अपने आप में एक बहुत बहुत ही एडवांस कंसेप्ट है। लॉस में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो आपको नहीं पता थी, लॉस में ऐसा था कि हम गलत कर देते। गेन एक अलग तरह का कंसेप्ट है। इस गेन में गेन के कारण क्या होते हैं ये बताने के लिए मुझे आपको ट्वेल्थ की कुछ टर्म्स यूज करनी पड़ती है। जब हम ट्वेल्थ में कैलकुलस में कोई चीज़ ध्यान पढ़ते हैं तो हमें कुछ टर्म्स यूज करनी पड़ती है। तो पर अभी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा कि रूट गेन होता कब है। आप पाएंगे, आप देखेंगे तो जनरली मैंने क्या कहा, जब पढ़ाया जाता है यूजुअली बहुत सारी जगह पर पढ़ाया जाता है, टीचर्स जब पढ़ाते हैं कई कोचिंग्स में जब ये चीज़ पढ़ाई जाती है तो वो पहले तो ये चीज़ बहुत रेयर कहीं पढ़ाई जाती है, और अगर जहाँ पढ़ाई जाती है वो गेन का एक ही मीनिंग बताते हैं कि स्क्वायर करने से गेन होता है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं कि ऐसा आपको शायद आपने हो सकता कहीं ये चीज देखी हो कि सिर्फ स्क्वायर करने से गेन नहीं होता, देर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ गेन। मैं आपके सामने एग्जांपल्स देता हूं कुछ। मैंने आपको बोला कि से x is 2 है, x कितना है 2 है, हमने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया तो x स्क्वायर आ गया 4। तो क्या x अगर 2 है तो x स्क्वायर 4 होता है? हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर x 2 होता है तो उसका स्क्वायर 4 होता है। पर क्या x स्क्वायर 4 होता है तो x 2 ही होता है? नो, हमें लगता है कि हमारे पास फिर से पूरा राइट है क्या करने का, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने का। ये हमारे पास राइट है फुल, अगर ये इसके इक्वल है तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन हमें इसे सॉल्व करने के लिए बोला गया था और हम इसे सॉल्व करने बैठ गए। ऑब्वियसली इसे सॉल्व क्यों करोगे, एक्स के तो वैल्यू दे रखी है, लेकिन ऐसी इक्वेशंस आती है जिसमें हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता है। आई विल शो यू वन ऑफ द एग्जांपल, मैं आपको बताऊंगा कि बहुत, फिर से मैं आपको एक्चुअल जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। अगर एक्स 2 है तो हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर 4 है, दिस इज नॉट रॉन्ग, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें देता है x is either 2 और minus 2, ये हमें देता है x equals to 2 और minus 2। हम सोचते हैं ये इक्वेशन तो यही थी क्योंकि इसको इसको ये लिखने में कोई गलती नहीं है और इसके सॉल्यूशंस ये हैं तो ये तो इसके भी सॉल्यूशंस हैं। नहीं, 2 रखने पर 2 equals to 2 तो आ जाएगा पर minus 2 रखने पर minus 2 2 के बराबर नहीं आएगा। तो लॉस में एक रूट कम कर दिया या एक से ज्यादा रूट कम कर दिया, गेन में रूट बढ़ा दिया, एक नंबर ऐसा आ गया जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था ही नहीं, हमसे गलती हुई। हमारा ये सोचना कि अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। लेकिन एट टाइम्स हमें करना पड़ता है क्योंकि देयर इज नो वे टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, वही तरीका करना था। तो फिर क्या करना है, फिर कैसे पता करना है, फिर ये मेथड अगर ये गलत है तो क्या सही है, है ना, हम इस पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन मेरा कहना है गेन का कारण सिर्फ स्क्वायर नहीं, इवन गेन क्यूब से भी हो सकता है। एक्स अगर 1 है तो एक्स क्यूब भी 1 होगा, ये लीनियर है ये क्यूबिक है, इसके कितने रूट्स आएंगे 3। एक्स अगर 1 है तो एक्स क्यूब 1 है, अब जब इसे सॉल्व करूंगा तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे 3। रियल की बात करूंगा तो एक ही आएगा क्योंकि तो किसका क्यूब 1 होता है, सिर्फ 1 का ही होता है रियल में बात करें तो इसमें भी गेन होगा लेकिन रियल रूट्स का गेन नहीं होगा। तो मैंने आपको दिया कि x equals to 30 degree, तो आपने बोला x अगर 30 degree है तो sin x कितना हो गया sin 30 degree, क्या इस बात में कुछ गलत है? बिल्कुल कुछ गलत नहीं है, अगर x 30 degree है तो sin x कितना होगा sin 30 degree, पर अगर sin x sin 30 degree है तो x कोई जरूरी नहीं 30 degree है, कितनी वैल्यूज पॉसिबल है इनफाइनाइट, यहां तो एक ही बड़ा था रूट, कितने रूट बढ़ गए, इनफाइनाइट रूट बढ़ गए। अगर x 30 डिग्री है
तो साइन एक्स साइन 30 डिग्री के बराबर है। साइन 30 डिग्री को क्या लिखा? हाफ। फिर आपने बोला साइन एक्स हाफ कब होता है? तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर हमें नॉलेज है तो हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो पीरियोडिक होते हैं, वो अपनी एक ही वैल्यू कई बार दे देते हैं। तो साइन एक्स की वैल्यू हाफ कितने एंगल्स पर होगी? इनफाइनाइट। अभी इस चीज का पार्ट नहीं है कि वो क्या होंगी, मैं लिख देता हूं क्या होंगी। ये होंगी इनफाइनाइट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये क्या कैसे आया, क्योंकि इस चीज का पार्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर x इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया है तो हमें लगता है कि साइन एक्स साइन 30 डिग्री के बराबर होगा, होगा, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सिर्फ x इक्वल्स टू 30 डिग्री नहीं आएगा, x इक्वल्स टू 150 डिग्री भी आएगा, क्योंकि साइन 150 डिग्री भी हाफ ही होता है। साइन 150 डिग्री भी हाफ ही होता है, साइन 390 डिग्री भी हाफ ही होता है। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं? इनफाइनाइट। वो ये लिखे हुए हैं। अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि कैसे आया, बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट। इंपॉर्टेंट इज कि ये आंसर्स कितने लिखे हुए हैं? इनफाइनाइट आंसर्स, क्योंकि एन कोई भी इंटीजर हो सकता है। जितने इंटीजर्स आप यहां डाल सकते हो उतने डाल लो, और इससे जो जो मिलेगा वो सब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। पर एक्चुअल इक्वेशन तो ये थी, इसका तो एक ही सॉल्यूशन था, इसके कितने आ गए? इनफाइनाइट। तो गेन हो गया, ये लिखा, ये लिखा, उसको ये लिख, ये दिया है, ये लिखा, हमें लगता है बिल्कुल राइट है, इसे सॉल्व किया, ये आया, और हमें लगता है ये आंसर सही है। लेकिन ये आंसर गलत है, क्यों? क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहे सारे। तो क्या हो गए? गेन। तो रूट का गेन कब होगा? गेन कब होगा? तो इसको अभी जनरलाइज नहीं कर पाया। अभी मैंने आपको कोई टर्म नहीं बोली कि गेन कब होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा क्यूब में नहीं हो रहा, अगर रियल की बात की जाए तो क्यूब करने पर गेन नहीं हुआ, क्यूब करने पे गेन नहीं हुआ। x इक्वल्स टू 1 है तो x क्यूब 1 है, और x क्यूब 1 है तो x भी 1 ही है। क्यों? क्योंकि एक ही नंबर का क्यूब 1 हो सकता है रियल नंबर का 1। मैं बार बार रियल बोल रहा हूँ। तो स्क्वायर करने से गेन हो गया, क्यूब करने से गेन नहीं हुआ। साइन लेने से गेन हो गया, लॉग लूंगा तो गेन नहीं होगा। मतलब अगर x2 है, अगर x2 है तो हम देखेंगे आगे जब लॉग पढ़ते हैं, तो लॉग x लॉग 2 के बराबर। अगर x2 के बराबर है तो log x log 2 के बराबर है, और अगर log x log 2 के बराबर है तो x भी 2 के बराबर ही आता है। तो दोनों तरफ log लेने पर गेन नहीं हो रहा, साइन लेने पे गेन हो गया, क्यूब लेने पे गेन नहीं हुआ, स्क्वायर लेने पर गेन हो गया। तो हमें ये जनरलाइज करना पड़ेगा कि कब गेन होगा और कब गेन नहीं होगा, और कैसे उन क्वेश्चंस को डील करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हमारे लिए सिंपल हो जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। हम कहते हैं ऐसे केस में गेन होता है जब हम दोनों तरफ ऐसा फंक्शन अप्लाई कर दें जो मेनी वन है। कैसा फंक्शन अप्लाई कर दें? मेनी वन। अब सिंस ये इनिशियल स्टेज पे टर्म थोड़ी मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम फंक्शंस के बारे में बहुत नहीं जानते हैं, और हम मेनी वन के बारे में भी तो बिल्कुल भी नहीं जानते शायद। पर मैं आपको बता दूं, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे कैलकुलस का बहुत बड़ा पार्ट है जो हम फंक्शन में पढ़ते हैं, पर मैं आपको भी बहुत शॉर्ट में ये बात बता रहा हूँ कि व्हाट आर मेनी वन फंक्शंस। वो मेनी वन फंक्शंस होते हैं जो अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं, कम से कम एक बार अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं। जैसे मैंने कहा स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो अगर मैं आपके सामने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं, ये एक्स एक्सिस, इस एक्सिस पे एक्स है और इस एक्सिस पे एक्स स्क्वायर प्लॉट किया मैंने, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। तो आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज जो एक्स स्क्वायर की है वो यहां आ रही है तो यहां भी आ रही है। ये वैल्यू एक्स स्क्वायर की जो थी वो ये वाला एक्स डालने पर भी आ रही है और ये वाला एक्स डालने पर भी आ रही है। तो एक्स स्क्वायर की एक ही वैल्यू दो जगह भी आ रही है। पर यही चीज जब मैं आपके लिए क्यूबिक का ग्राफ बनाऊंगा, जब मैं आपके सामने क्यूबिक का ग्राफ बनाऊंगा, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये x एक्सिस है और ये x क्यूब एक्सिस है। यहां पर मैंने x क्यूब प्लॉट किया है और यहां x, तो मेरा कहना है ये वाली x क्यूब की वैल्यू सिर्फ एक ही x के लिए आ रही है, ये वाली x क्यूब की वैल्यू सिर्फ एक ही x के लिए आ रही है।
मतलब अगर मैंने x की कोई वैल्यू बोली, मतलब मुझे मैंने बोला x क्यूब की ये वैल्यू है, तो वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर x के लिए आ रही है, किसी और x के लिए नहीं आ रही, जबकि यही x स्क्वायर की वैल्यू इसके लिए भी आ रही है और इसके लिए भी आ रही है, तो ये गेन करेगा। जब मैं ग्राफ log x का बनाऊंगा, जैसा मैंने कहा log x में गेन नहीं हो रहा, log x में गेन नहीं हो रहा, तो आप देखिएगा ध्यान से कि log x में गेन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि log x का जो हमारा ग्राफ होगा, मैं बेस वन से बड़ी ले रहा हूं log की, ऐसा कुछ ग्राफ, तो आप देखेंगे log x की ये वाली वैल्यू सिर्फ एक ही के लिए आ रही है, log x की ये वाली वैल्यू सिर्फ एक ही के लिए आ रही है, ये वाली वैल्यू सिर्फ एक ही x के लिए आ रही है। मतलब अगर x आपने कुछ लिया तो log x की वो वैल्यू सिर्फ एक ही पॉइंट पर आएगी, लेकिन स्क्वायर में दो हो जाती है। और जब साइन का ग्राफ बनाते हैं, जब साइन का ग्राफ बनाते हैं हम, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो कोई वैल्यू है साइन एक्स की, ये इस एक्सिस पे साइन एक्स प्लॉट किया है, इस एक्सिस पे एक्स प्लॉट किया है, तो साइन एक्स की वैल्यू अगर हाफ है, फॉर एग्जांपल ये है, तो वो ये एक्स रखने पे भी हाफ देगा, वो ये एक्स रखने पे भी हाफ देगा, ये एक्स रखने पे भी हाफ देगा, ये एक्स रखने पे भी हाफ देगा, ऐसे इनफाइनाइट इधर आएंगे, इनफाइनाइट इधर आएंगे। तो साइन लेना, मतलब अगर एक्स थीटा के बराबर है, और तो हमने बोला साइन एक्स साइन थीटा के बराबर होगा, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर साइन एक्स साइन थीटा के बराबर है, एक्स थीटा के बराबर होगा तो सही, लेकिन सिर्फ वही नहीं होगा, और भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आएंगी, समझ गए। तो बहुत कॉशियस रहना पड़ता है इक्वेशन को मॉडिफाई करते समय, स्क्वायर किया, साइन लिया। मैं आगे पढ़ाते पढ़ाते आपको उस लेवल तक ले जाऊंगा कि मैं बताऊंगा कि किसी इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर दिया तो भी गेन हो जाता है, तो भी गेन हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस हैं मेरे पास जिसमें अगर ये इसके बराबर है, तो हम अगर कोई फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के बराबर है, तो उन दोनों के डिफरेंशिएशन भी बराबर होंगे। मैंने कहा चलो मैं आपको बता ही देता हूं, क्योंकि वो एक्सट्रीम एग्जाम्पल है मेरे पास जो यूजुअली कोई नहीं बता पाता है। मैंने कहा कि एफ ऑफ एक्स अगर जी ऑफ एक्स के बराबर है, दो फंक्शन आपस में बराबर है, तो उनके डिफरेंशिएशन बराबर होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल होंगे, दोनों के डिफरेंशिएशन बराबर होंगे, प्रोवाइडेड ये डिफरेंशिएबल फंक्शन हो। अगर ये इसके बराबर है तो इसका डिफरेंशिएशन इसके बराबर है, पर अगर इसका डिफरेंशिएशन इसके बराबर है तो ये फंक्शन इसके बराबर, ऐसा जरूरी नहीं है। कि जब मैं इसको वापस से यहाँ पहुंचाऊंगा, तो एफ डैश एक्स को जब वापस एफ ऑफ एक्स ले जाऊंगा, तो ये एफ ऑफ एक्स आया मान लीजिए, और जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो जी ऑफ एक्स प्लस सी आएगा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमें लगता है कि अगर ये इसके बराबर है तो उनका डिफरेंशिएशन बराबर है, और अगर उनके डिफरेंशिएशन बराबर है तो फंक्शन बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है, फिर से इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो गेन, जब भी हम कुछ अपने इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में कोई चेंज लाएं, चेंज लाएं मतलब, अब चेंज लाना ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर मैं एक्स को उधर ले गया तो ये भी तो चेंज हो गया, नहीं, स्क्वायर कर दिया, लॉग ले लिया, साइन ले लिया, डिफरेंशिएट कर दिया, ये सब पॉसिबिलिटी जनरेट करते हैं रूट गेन, ये सब पॉसिबिलिटी जनरेट करते हैं रूट गेन की। तो हमें पता कैसे चलेगा कि रूट गेन हुआ, तो हमें क्या करना है, हम चेंज कर दें इक्वेशन को, सॉल्व कर लें, और उस सॉल्यूशन से जो रूट्स जनरेट हों उन्हें वापस से गिवन इक्वेशन में डाल दें। अगर सेटिस्फाई कर गया वो एक्चुअल है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करा तो गेंड है ना। और वंडरफुल एग्जांपल फ्रॉम जेई, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल था जेई का। एक्स एक रियल क्वांटिटी है, एक्स एक रियल क्वांटिटी है जो इसको सेटिस्फाई करें, मतलब x इस, ये जो है x एक रियल क्वांटिटी है, एक वेरिएबल है लेकिन एक रियल क्वांटिटी। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। व्हाट डज सॉल्व मींस, फाइंड द x सो दैट व्हिच इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। हमें ऐसा x फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये ढूंढना है हमें। कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, रूट हटाने का एक ही तरीका समझ में आता है हमारा, स्क्वायरिंग करना। और फिर से हमने हमेशा अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ रखा है, ये तो किया ही जा सकता है क्योंकि हमने सीखा वैसा है। पर आप देखेंगे कि अभी उससे हमारा क्या गड़बड़ होगी। तो हम दोनों तरफ का स्क्वायर, ये इसके बराबर है तो इसका स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर इस पूरे के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए।
तो मैंने पूरे का स्क्वायर किया, ऑब्वियसली इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ होल स्क्वायर बनेगा, ऐसा बनेगा ये। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, यहां स्क्वायर करा तो यहां बोला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब x प्लस वन प्लस b का स्क्वायर मतलब x माइनस वन माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x प्लस वन इंटू x माइनस वन। और यहां पर स्क्वायर करा तो कितना आया 4x। आई होप इतनी बात आ गई समझ में, स्क्वायर किया है सिंपली। फर्दर ये माइनस टू इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन को लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये है फोर एक्स, ये है टू एक्स, फोर एक्स माइनस टू एक्स इज टू एक्स, माइनस ये माइनस वन प्लस वन कट गए, हियर वी आर हैविंग माइनस वन। और फिर हम रूट पे आ गए, फिर हम रूट पे आ गए तो हम फिर से स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास रूट हटाने का एक ही तरीका समझ में आता है हमें स्क्वायर करना, हम फिर से स्क्वायर कर देते हैं। फिर से हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो माइनस टू का स्क्वायर कितना आया फोर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर आया एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहां लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ गया फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। बोलिए सिंप्लीफाई किया, ये है फोर एक्स स्क्वायर और ये भी है फोर एक्स स्क्वायर, तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर इज जीरो, वो कट गया। माइनस फोर एक्स को हम इधर ले आए तो इधर आके प्लस फोर एक्स, ये माइनस फोर इधर आके प्लस फोर हो गया, फोर प्लस वन फाइव हो गया और एक्स आ गया फाइव बाय फोर, एक्स आ गया फाइव बाय फोर और हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि ऑप्शन में था वो, ऑप्शन में था और हमें लगता है कि हमने बिल्कुल सारी स्टेप सही किए। क्यों बोलते हैं हम ऐसा, क्योंकि हमने कुछ गलत, हमने स्क्वायर किया सॉल्व किया और ये मिला और हमें यही लगता है कि अगर वो ऑप्शन में है तो हम बिल्कुल सही। पर एक अच्छा स्टूडेंट आप लोग ये सोचोगे कि हमने इक्वेशन में चेंज लाया बाय स्क्वायरिंग दैट इक्वेशन और सर ने हमें बताया है ये कि अगर हम स्क्वायर करते हैं तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रूट गेन, देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटी, मल्टीपल केसेस व्हेन देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ रूट गेन बट वन ऑफ देम इज स्क्वायरिंग। तो 5/4 एक्चुअल रूट है या नहीं है इस इक्वेशन का, ये हमें देखना है एक्चुअल रूट है या नहीं है, तो दैट कैन बी डन ओनली बाय सब्स्टिट्यूटिंग दैट इज इन दिस इक्वेशन। सो लेट सब्स्टिट्यूट 5/4 इन द गिवन इक्वेशन, सो पुटिंग 5/4 हियर, 5/4 प्लस 1 इज 9/4, 5/4 माइनस 1 इज 1/4, this is our left hand side, root of 9/4 and please root of 9/4 is not plus minus 2, ye hamara agla jo maine aapse bol rakha hai ki jo hum basic mathematics mein seekhte hain, root of 9/4 is only 3/2 not plus minus 3/2, please yaad rakhiyega 9/4 ka root lene pe plus minus 3/2 nahi aata hai, root एक ही नंबर देता है। क्या आपने कभी ये बोला कि रूट टू की वैल्यू जो है, आप रूट टू को जब अप्रोक्सीमेट करते हो तो आप क्या लेते हो 1.414, क्यों उसे प्लस माइनस 1.41 क्यों नहीं, 414 क्यों नहीं लेता, वो भी तो दो लेना चाहिए, कभी लिया आज तक नहीं, रूट सिर्फ एक ही वैल्यू देता है जो उसके आगे साइन है, अगर इसके आगे प्लस लगाए तो ये भी प्लस ही आए, 9/4 का रूट आया 3/2, 1/4 का रूट आया 1/2, जो सिंप्लीफाई होके हो गया 1। तो जब मैंने 5/4 इसमें डाला तो मुझे मिला 1। अब मैंने जब 5/4 RHS में डाला क्या आया 5-1, 5-1 इज 4, 4 का रूट इज 2। सॉल्व इसी को किया, सॉल्व इसी को किया, आया इसी से, लेकिन जब इसमें डाला तो LHS RHS सेटिस्फाई नहीं हुए, जो 5/4 था वो इस इक्वेशन का एक्चुअल रूट
नहीं था, वो कौन सा रूप था? गेंद रूप। तो आपको गेंद ध्यान रखने पड़ेंगे कि जो आंसर जो सॉल्यूशन आएगा, जब भी आप दोनों तरफ कोई मेनी वन फंक्शन अप्लाई करोगे जिससे एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी जनरेट होती है, यू हैव टू चेक योर सॉल्यूशन विद द गिवन दैट इट इज सेटिस्फाइंग और नॉट। समझ गए एवरीवन? आई होप जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे वो सबको क्लियर है ना। स्टूडेंट्स हमारे दो कॉन्सेप्ट्स कवर हो चुके हैं, जिसमें पहला हमारा रूट लॉस था, फिर हमने रूट गेन पे बात कर ली है। अब जैसा मैंने उसमें तीसरी बात कही आपसे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर। मतलब अगर हम किसी रियल नंबर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो क्या आना चाहिए? अब बहुत कॉमनली ये कंसेप्ट हमने कई बार आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, मतलब आप लोग इन क्लासेस में देखते हो कि अगर हम किसी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें, किसी नंबर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो वो नंबर खुद आ जाता है। हमें ये लगता है कि एक्स स्क्वायर का रूट लेने पे एक्स आना चाहिए। जनरली हमने यही सीखा हुआ है, हमने यही पढ़ा कि हाँ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स होता है। मजे की बात, बहुत इंटरेस्टिंगली, अगर आपने कुछ क्वेश्चंस में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को अगर एक्स लिख दिया, क्वेश्चंस में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को अगर एक्स लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जेई के और भी कुछ दूसरी एग्जाम्स के क्वेश्चंस में ऐसा हुआ है कि अगर आपने किसी अननोन वेरिएबल क्वांटिटी के स्क्वायर के रूट को अगर एक्स लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए ये बेसिक मैथमेटिक्स में मैं स्पेशली कवर करता हूं इसे। ध्यान रखिएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स, इट इज अगेन। अब एक और गलती, कुछ स्टूडेंट्स, मैं कई बार क्वेश्चन में पूछता हूं, कई स्टूडेंट्स से मेरा इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस होता है इस तरह से कि हाँ सामने बैठा स्टूडेंट, मैं कुछ से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दे से दैट इट इज प्लस माइनस ऑफ एक्स, दे से दैट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज प्लस माइनस ऑफ एक्स। ये तो और बड़ा ब्लंडर है, ये और बड़ी मिस्टेक है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को अगर हम प्लस माइनस एक्स ले लें, मतलब हम कह रहे हैं एक ही वैल्यू दो दो वैल्यू के बराबर हो गई, हम कह रहे हैं एक ही वैल्यू दो दो वैल्यूज के बराबर हो गई, ये और बड़ी मिस्टेक है हमारी। तो प्लीज फिर से सुनना, मैं अभी फिर से बोल रहा हूं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ना तो एक्स होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ना तो प्लस माइनस एक्स होता है। वह हम सोच रहे होंगे क्या बचा, क्या अब क्या बच रहा है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर फिर होता क्या है, ना एक्स हो रहा है ना प्लस माइनस एक्स हो रहा है। तो एक कंसेप्ट जो हम आगे जाके और डिटेल में समझने वाले हैं, हम आगे जाके कंसेप्ट डिटेल में समझेंगे, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ अ रियल नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ रियल नंबर। सो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ना ये होता है ना ये होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है मॉड्यूलस ऑफ दैट नंबर, मॉड्यूलस ऑफ दैट नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को लिखा जाना चाहिए मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अब ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा अभी आपको बता देता हूं, लेकिन इस पे आगे जाके हमारे बेसिक मैथमेटिक्स में हमने इस पे एक छोटा सा पार्ट रखा है जिसमें मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। ये हमारे जेई सिलेबस में कई जगह, कई हमारे जेई सिलेबस, क्या मैं कहूंगा, अगर हम 11 12 की कुछ भी मैथ्स की चीजें पढ़ रहे हैं तो हमें ये मॉड की जानकारी होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। तो अभी जो जिस बात पे मैं समझाना चाह रहा हूं कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ना एक्स होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ना प्लस माइनस एक्स होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है मॉड्यूलस ऑफ एक्स, है ना। मॉड्यूलस ऑफ एक्स मैं आपको बहुत शॉर्ट में अभी बता देता हूं, है ना, बहुत शॉर्ट में, मॉड्यूलस ऑफ एनी रियल नंबर, मॉड्यूलस ऑफ एनी रियल नंबर विच इज पॉजिटिव, अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर का मॉड लूंगा तो वो खुद ही आ जाता है। जैसे अगर मैंने 2 का मॉड लिया है तो वो 2 आ जाता है, अगर मैंने 2 का मॉड लिया है तो वो 2 ही आएगा। मतलब पॉजिटिव नंबर का मॉड वो खुद होता है, 0 का मॉड भी वो खुद ही होता है, क्योंकि मॉड्यूलस बताता है उस नंबर का मैग्नीट्यूड,
विदाउट इट साइन उस नंबर का मैग्नीट्यूड, तो टू का मैग्नीट्यूड टू है, जीरो का मैग्नीट्यूड जीरो है और माइनस टू का मैग्नीट्यूड, तो नेगेटिव नंबर का मैग्नी नेगेटिव नंबर का मॉड होता है उसका भी नेगेटिव, ध्यान रखना प्लीज। आप पाएंगे, आप देखेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम जो चीज जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो मॉड्यूलस ऑफ माइनस टू को टू बोलते हैं। मैं बोलता हूं मॉड्यूलस ऑफ माइनस टू को टू ना बोला जाए, जो होता है वो होता है माइनस ऑफ माइनस टू विच कम्स आउट टू बी टू, विच कम्स आउट टू बी टू। सो मॉड्यूलस ऑफ टू इज टू, मॉड्यूलस ऑफ जीरो इज जीरो, पॉजिटिव का मॉड्यूलस वो खुद होता है, जीरो का मॉड्यूलस वो खुद होता है, हर पॉजिटिव का मॉड्यूलस वो खुद नंबर, वो नंबर खुद होगा, जीरो का मॉड्यूलस वो खुद होगा और किसी नेगेटिव नंबर का मॉड्यूलस, किसी नेगेटिव नंबर का मॉड्यूलस उस नंबर का नेगेटिव होता है, उस नंबर का नेगेटिव होता है। सो माइनस टू का मॉड माइनस ऑफ माइनस टू विच कम्स आउट टू बी टू। सो इसलिए ध्यान से ध्यान रखिए कि अगर हम ये, मैं मॉड पे अभी आपको मॉड नहीं पढ़ा रहा हूं, मॉड मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया है, मैंने आपको एक सिर्फ बेसिक आइडिया दिया है मॉड का, और आप समझेंगे कि नेगेटिव का मॉड मैंने उसका भी नेगेटिव क्यों बोला है, आपको मैं आगे आके बताऊंगा कि क्यों मैंने ये लाइन बोली है ना। तो हमारा कंसेप्ट चल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ना तो एक्स लिखेंगे हम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ना ही हम प्लस माइनस एक्स लिखेंगे, ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा ये गलती ना हो जाए हमसे। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लिखते हैं मॉड्यूलस ऑफ दैट नंबर, मॉड्यूलस ऑफ एक्स। जैसे अगर मैं बोलूं रूट फोर क्या होता है, आप देखिएगा बहुत सारे आप खुद, आप कई बार हमें भी लगता होगा सर रूट ऑफ फोर तो प्लस माइनस टू होता है, अरे कमॉन कोई एक नंबर दो नंबर के बराबर कैसे हो गया, कोई एक वैल्यू दो वैल्यूज दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज के बराबर हो गई, कभी ऐसा देखा है? हम तो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब टू टू के बराबर भी और टू माइनस टू के बराबर भी है। फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसा लॉजिक लगाते हैं, लोग बोलते हैं किसका स्क्वायर करने पे फोर आ रहा है, नहीं नहीं, रूट फोर का मतलब यह है कि फोर एक नंबर है और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। अच्छा चल, अगर आप ये बोलते हो तो मेरा कहना है रूट टू, तो रूट टू जैसे आपने रूट फोर के लिए प्लस माइनस टू लिख दिया, रूट फोर के लिए प्लस माइनस टू लिख दिया, तो रूट टू के लिए भी अप्रोक्सीमेटली आपके हिसाब से, फिर तो जैसे रूट टू अप्रोक्सीमेटली होता है 1.414, तो रूट टू भी आपके लिए प्लस माइनस 1.414 होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो रूट टू भी प्लस माइनस 1.414 होना चाहिए, क्यों? रूट फोर के साथ ही प्लस माइनस लगेगा, रूट टू के साथ नहीं लगाएंगे, क्यों? कभी किया ऐसा? रूट टू हम क्या मानते हैं? सिर्फ प्लस 1.414 अप्रोक्सीमेटली ना, तो कैसे हम माइनस क्यों नहीं ले रहे? अगर हम यहां प्लस माइनस ले रहे हैं तो हम यहां प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे? क्यों? क्योंकि यहां फोर है, टू है, इसलिए। प्लीज समझिएगा रूट फोर प्लस माइनस टू नहीं होता है, ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है, कभी भी ये मिस्टेक ना करें, है ना। तो समझिएगा रूट फोर अगर मुझे निकालना, और हम अब हम समझ गए कि नहीं रूट फोर तो सिर्फ टू होता है, ये अब हम समझ गए। लेकिन अगर कोई इस लॉ को, इस कंसेप्ट को ना समझता हो तो वो इस पे ये लॉजिक दे सकता है कि सर मैं रूट फोर को, फोर को लिख सकता हूं माइनस टू का स्क्वायर, जो कि बिल्कुल सही है। माइनस टू का स्क्वायर निकालने पर, माइनस टू का स्क्वायर निकालने पर क्या आएगा? फोर। तो फोर कैन बी रिटर्न एज माइनस टू का स्क्वायर। और अगर हम इस लॉ के अकॉर्डिंग चले जाएं, अगर हम इस गलत कंसेप्ट से चले जाएं कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स होता है, तो अंडर रूट ऑफ, यहां हमारा एक्स है माइनस टू, तो माइनस टू के स्क्वायर का रूट हमारे हिसाब से माइनस टू हो जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि वो तो टू होता है। अंडर रूट ऑफ माइनस टू का स्क्वायर तो माइनस टू हो गया, तो जबकि वो होना तो टू चाहिए था,
तो इसका मतलब ये हमने गलत किया है। तो सही क्या होगा? अब सही हमने जो देखा वो ध्यान से देखिएगा, क्या है सही? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? मॉड एक्स है। तो अंडर रूट ऑफ माइनस टू का स्क्वायर क्या हो गया? मॉड ऑफ माइनस टू, और मॉड ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, मैंने आपको अभी बताया है, नेगेटिव ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, मॉड्यूलस ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, मींस इट इज टू। नाउ इट्स करेक्ट, नाउ इट्स करेक्ट। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और प्लीज आप देखेंगे जब आप 11, 12th में जिस भी मैथ्स में टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, अब जेई की प्रिपरेशन, मेंस हो, एडवांस हो, आप स्कूल की प्रिपरेशन करते जाएंगे, आप जिसमें भी देखेंगे ना, आपको इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ जाएगी। होता क्या है, अप टू 10th इन कंसेप्ट की या तो हमें सिखाया नहीं गया या फिर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, या तो हमें सिखाया नहीं गया या फिर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो इस चीज को हमने कभी सोचा ही नहीं। हमारे लिए हम ऐसा सोचते हैं कि स्क्वायर रूट मतलब पावर में हाफ लिखा होना, तो टू से टू कट गया तो एक्स की पावर वन एक्स आ गया। ये सोचना गलत है, ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये बात हमेशा ट्रू नहीं है। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आएगा वो देखना। सबसे पहले मैं रॉन्ग तरीके से बात करता हूं, चलो गलत तरीके से, अगर मैंने बिना कुछ जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को अभी सिखाया है, अगर मैंने वो कंसेप्ट नहीं लगाया और मैंने इसको उस तरीके से सॉल्व किया, तो देखना क्या होने वाला है। हमने एक्स किसी नंबर के स्क्वायर के रूट को वही नंबर लिख दिया तो आ गया रूट टू प्लस फाइव, चलो ठीक है। यहां भी इस नंबर के स्क्वायर को लिख दिया, उसके स्क्वायर के रूट को लिख दिया, वो नंबर रूट टू माइनस फाइव, ये हमने लिख दिया रूट टू, ये माइनस रूट टू कट गए, ये फाइव, ये माइनस ऑफ माइनस फाइव टेन, सो ये हो गया टेन। पर ये गलत आंसर, ये गलत आंसर है। रूट टू प्लस फाइव के होल स्क्वायर के रूट को लिख दिया हमने रूट टू प्लस फाइव, और रूट टू माइनस फाइव के होल स्क्वायर के रूट को लिख दिया रूट टू माइनस फाइव, ये गलत है। अगर हमें वो कंसेप्ट नहीं पता होता तो हम यही आंसर लिखने वाले थे शायद। अब आप ध्यान से देखिएगा कि अब हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। अब हम राइट पे जाते हैं, सही तरीके पे हमारे। अभी हमारा आंसर 10 आया है, अभी हमारा आंसर 10 आया। अब हम इसको राइट तरीके से सॉल्व करते हैं। रूट टू प्लस फाइव के होल स्क्वायर का रूट होना चाहिए, रूट टू प्लस फाइव के होल स्क्वायर का रूट होना चाहिए मॉड ऑफ रूट टू प्लस फाइव, क्या होना चाहिए? मॉड ऑफ रूट टू प्लस फाइव। इसी तरह से रूट टू माइनस फाइव के होल स्क्वायर का रूट होना चाहिए मॉड ऑफ रूट टू माइनस। अब आप बताइए जल्दी से कि रूट टू प्लस फाइव का मॉड क्या होगा, रूट टू प्लस फाइव का मॉड क्या होगा? तो मेरी सिंपल सी लाइन अगर आपने याद कर ली हो, सिंपल सी लाइन मेरी याद कर ली हो, वो ये कि किसी पॉजिटिव नंबर का मॉड, वो नंबर खुद होता है, तो रूट टू प्लस फाइव तो पॉजिटिव है, रूट टू प्लस फाइव तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो उसका मॉड तो वो खुद हो गया, तो रूट टू प्लस फाइव। नाउ रूट टू माइनस फाइव, रूट टू फाइव से छोटा है, रूट टू फाइव से छोटा है, तो रूट टू माइनस फाइव नेगेटिव नंबर है। और याद करो, इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था, आपको याद आनी चाहिए जो मैंने अभी कही थी, कि किसी नेगेटिव नंबर का मॉड उसका भी नेगेटिव होता है। नहीं तो स्टूडेंट से मैं जनरली कई बार पूछता हूं कि रूट टू माइनस फाइव का मॉड क्या होगा, तो कई स्टूडेंट्स इस बात को क्लिक नहीं कर पाते कि रूट टू माइनस फाइव का मॉड को वो माइनस रूट टू माइनस फाइव लिख देते हैं। नहीं, अब तो कितना आसान है, किसी भी नेगेटिव नंबर का मॉड क्या होता है, उसका भी नेगेटिव, तो रूट टू माइनस फाइव एक नेगेटिव नंबर है, तो रूट टू माइनस फाइव का नेगेटिव क्या आया? मैंने कहा ना, नेगेटिव नंबर का मॉड उसका भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर का मॉड उसका भी नेगेटिव, तो रूट टू माइनस फाइव का नेगेटिव क्या आएगा?
फाइव माइनस रूट टू, क्या आएगा फाइव माइनस रूट टू, तो रूट टू माइनस फाइव का मॉड लेने पर आएगा फाइव माइनस रूट टू। तो सोचो हमारा ये कंसेप्ट कितना काम आया कि अगर मैं बोलता कि माइनस टू का मॉड टू होता है तो रूट टू माइनस फाइव का मॉड तो समझ में ही नहीं आया उससे क्या होना चाहिए, जबकि अगर मैं बोलूं कि माइनस टू का मॉड माइनस ऑफ माइनस टू होता है तो वैसे ही रूट टू माइनस फाइव का मॉड हो जाएगा माइनस ऑफ रूट टू माइनस फाइव, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर था तो क्या फाइव माइनस रूट टू। अब यहां से हमारा फाइव से फाइव कैंसिल हो रहा है और माइनस माइनस प्लस रूट टू इज टू रूट टू। सो द करेक्ट कंसेप्ट, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू रूट। प्लीज प्लीज ध्यान रखिए, प्लीज ध्यान रखिए, जब भी हम किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर का रूट लेंगे तो जो आउटपुट आना चाहिए, जो रिजल्ट आना चाहिए, वो एक नॉन नेगेटिव नंबर आना चाहिए, वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता क्योंकि इसके आगे प्लस लगा हुआ है, मतलब ये क्वांटिटी हमेशा नॉन नेगेटिव है, या तो जीरो है या जीरो से बड़ी है। और अगर मैंने रूट टू माइनस फाइव के स्क्वायर के रूट को रूट टू माइनस फाइव लिख दिया, मतलब मेरा कहना है कि इस क्वांटिटी को मैंने नेगेटिव बना दिया, जबकि रूट कभी नेगेटिव वैल्यू रिजल्ट में देता ही नहीं। तो सही क्या होता है, रूट टू माइनस फाइव के स्क्वायर का रूट मॉड ऑफ रूट टू माइनस फाइव विच कैन बी रिटन एज फाइव माइनस रूट टू। तो इस कंसेप्ट को याद रखना, जैसे कई जगह पर आपके सामने ऐसा आएगा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, एंड प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज हमने अगर इतने डिटेल में इस बात को समझा है तो प्लीज रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को डोंट राइट इट एज साइन एक्स। प्लीज आप उस क्वेश्चन को गलत करके आने वाले अगर आप ऐसा कर देंगे तो रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज नॉट साइन एक्स, जो मैंने आपको बताया रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज मॉड ऑफ साइन एक्स, रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज नॉट साइन एक्स, इट इज मॉड ऑफ साइन एक्स। बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों में, साइन एक्स और मॉड ऑफ साइन एक्स में बहुत बड़ा अंतर है, और आप पाएंगे, आप देखते जाइएगा, आप बस आप ये याद रख लीजिएगा कि ये कंसेप्ट है, और कहीं आपने अगर गलत किया हो तो भी आप ये सोचेगा कि हाँ सर ने बात बोली थी, और सही किया हो तो भी बोलना कि हाँ सर ने मुझे उसी समय ये चीज समझा दी थी, मुझे याद है। इसलिए प्लीज याद रखना, अब क्यों गलती होती है, क्योंकि हमने इतना डीप रूटेड इस चीज को अपने हमारे दिमाग में इतना डीप रूटेड है कि हमारी आदत बन चुकी है लिखना, हमारी आदत बन चुकी है, तो उसे तोड़ना है, उस आदत को तोड़ना है, उससे बाहर निकलना है, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को मॉड ऑफ साइन एक्स।